सालियन दरबार की तरफ इस टूर के बारे में कुछ बातें जो आपको जहनशीन करनी होंगी। पहली बात तो ये, जब आप जा रहे होंगे तो रोड बहुत ही प्यारा है, दोनों अतराफ पे खेत हैं, सो आपको अपना कैमरा साथ ज़रूर लेके जाना चाहिए, मे बी आपका दिल कर जाए वहाँ पर फोटोशूट का। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब आप पतालियन गाँव में इंटर होंगे तो रास्ता बहुत ही बुरा है, वहाँ पे आपको मड टायर चाहिए होंगे अपनी गाड़ी के लिए और अपने लिए एक लॉन्ग शूज़ का जोड़ा, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ बहुत है। और अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई और आपने स्नीकर्स पहने हुए तो ट्रस्ट मी, आप मेरी इस बात को बहुत मिस करेंगे वहाँ पे, क्योंकि जब बारिश हो जाए तो वो रास्ता बहुत ही ख़राब है। पहुंच गया हूं मैं, कुछ जहाँ के शॉर्ट्स भी लिए हैं। देखिए, पतालियन दरबार मेरा ज़िंदगी का पहला टूर है, यहाँ पहले मैं कभी नहीं आया, आज मैं पहली दफ़ा यहाँ आ रहा हूं। और यहाँ की मेन हिस्ट्री क्या है, ये इतनी लंबी सी कब्र किसकी बनी हुई है, यहाँ पे बहुत से रवायात मिलती हैं, कुछ ऐसी हैं कि यहाँ पे कुछ आए थे काफ़ी अरसा पहले अल्लाह के वली आए थे तबलीग के लिए, तो यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम थे, मैं किसी की यहाँ पे मेरा किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, वैसे जो उस वक्त के नॉन मुस्लिम जो यहाँ पे रहते थे उन्होंने उन्हें शहीद कर दिया, तो उसके बाद जो उनके जितने साथी थे साथ में उन सबको एक ही कब्र में दफना दिया, तो वो ये जो कब्र बनी है बेसिकली इज्तिमाई कब्र है और सारे वो यहाँ पे यहीं पे दफन है। तो अभी अगर यहाँ पे जो अगर देखें जितने ये लोग मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पे जो आ रहे हैं उनका मेन मकसद वो जो चीज़ चाहते हैं वो ये, अगर कोई बंदा फॉलेज में मुबतला या उसकी कुछ और मसला है इस तरह का पैरालाइज्ड है, वो यहाँ पे आके अपनी मन्नत मांगते हैं और वो कितनी हद तक कबूल होती हैं ये तो फिर बंदे की बिलीफ पे ही डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ की ओरिजिनल जो हिस्ट्री है यहाँ के किसी बंदे से मैं पता करता हूँ, मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों से इसकी हिस्ट्री का पता करने का बहुत कोशिश की है कि तुम मुझे इसकी असल हिस्ट्री बता दे, लेकिन जिससे मैं बात करता हूँ कि यहाँ की हिस्ट्री का आपको पता हो वो ये कह देते हैं कि काफ़ी टाइम से यहाँ पे है हमें नहीं पता, या कैमरा शाइनेस की वजह से बता नहीं पा रहे। मेरे पीछे जो बुज़ुर्ग हैं उनसे मैंने पता किया है वो नहीं बता पा रहे, और मतलब ये बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, मैंने किसी जवान से नहीं पता किया क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी ज़्यादा एज है और उन्होंने अपने किसी से बड़े से सुना होगा और एक इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री पता चल जाए, लेकिन ये काफ़ी पुराना है क्योंकि इसकी हिस्ट्री तो बुज़ुर्गों का भी नहीं पता। लेकिन मैं इसकी फुल कोशिश करता हूँ, अभी और दो तीन बंदों से पूछता हूँ अगर मुझे पता चल जाए कि इसकी असल हिस्ट्री क्या है। तो फाइनली मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं कुछ ऐसे लोग जो मुझे यहाँ की हिस्ट्री का बता सकते हैं, तो चलें इनसे पूछते हैं यहाँ की हिस्ट्री का क्या है। सर तकरीबन चालीस तो ही काम मतलब स्टार्ट होया, पता नहीं साढ़े जड़े दादे पड़दा है उन्हें तो पहले दिन बदले। अच्छा तो बंदे आने क्यों, मेन वजह बंदे सर आने जो बने फाले च उन्होंने फाले के जड़े मतलब अटैक आए उन्हें इतने आने से अलहमदुल्ला कई लोग वेखे भी 22 साल असा भी इतने हो गए काम करने कई जो बजुर्ग आए जिन्हें रेहड़ियाँ बह के आए उन्होंने चल के असा को लाए कई दफा साढ़े को मुलाकात हुई ज़्यादा तकरीबन फाले जाने लोग। तो गाय जैसे पहले मैंने मेंशन किया था आपको कि यहाँ पे ज़्यादातर फॉलेज के लोग आते हैं, तो इन भाई ने भी मुझे ये बताया कि यहाँ पे ज़्यादातर फॉलेज के लोग आते हैं और वो सेहतियाब होते हैं। अभी देखिए खुदा का है कि आप इस चीज़ पे बिलीव करेंगे आपको वहीं से शफा मिलेगी, तो लोगों में यहाँ पे बिलीव है इसलिए यहाँ से शफा लोगों को मिलती है। तो आज की लिहाज इतना था, अभी मैं यहाँ से वापस जाऊँगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया और यहाँ पे लोग मुझे काफ़ी अजीब अंदाज से देख भी रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा कैमरा उठा के अगर बंदे घूम रहा हो और अपनी वीडियो बना रहा हो तो काफ़ी अजीब सा लगता है। तो अभी मेरे पीछे ये आप बिल्डिंग देखते हैं, ये है वो पतालियन दरबार, अगर आप लोग यहाँ आना चाहें तो ज़रूर आइएगा। और यहाँ की शफा में कि आपको शफा मिलेगी या नहीं, ये तो आपकी बिलीव पे है कि आप यहाँ पर कितना बिलीव रखते हैं, अगर आपका बिलीव पुख्ता है तो इंशाल्लाह अल्लाह आपकी यहीं से शफा देगा। आज की इतना उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, तो आप इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे जल्दी। अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ क्योंकि जिस तरह मेरे वीडियो के कमेंट्स में आ रहे हैं कि
فلاں جگہ کرو فلاں جگہ، ٹائم بہت کم ہے، بہت سارا ٹائم ہوتا ہے میرے پاس، میں ٹائم نہیں دے پا رہا ویڈیوز کو، لیکن نیکسٹ جو ہوگا وہ میں اپنی ویڈیو کی کمنٹ سے کوئی بندہ ڈھونڈوں گا جو کسی جگہ کا مجھے مینشن کرے کہ وہاں کا بلاگ کرو، تو نیکسٹ بلاگ میں یہیں کروں گا تو وہاں بھی یہ کروں گا۔ تو آج کے لیے تھا، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔